देखने के लिए फल और सब्जी को समझा गेंद, लकड़ी को बनाया बल्ला, ऐसे बना है वेस्ट इंडीज का समार जोसेफ इस समय दुनिया का नया वर्ल्ड चैंपियन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में तोड़ा गाबा का घमंड, और उसके बाद अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको सुनकर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत खुश होंगे, क्योंकि अब समार जोसेफ की तेज गेंदबाजी का जलवा देखने को मिलने वाला है PSL 2024 के एडिशन में। पेशावर जालमी की टीम ने समार जोसेफ को अपनी टीम में बतौर रिप्लेसमेंट जो है वो ज्वाइन करवा लिया है। क्या है इसके बारे में सारी जानकारी, उसके बारे में बात करेंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि PSL से पहले समार जोसेफ का जलवा T20 क्रिकेट के अंदर आपको कौन सी लीग में देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, स्पोर्ट्स यारी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऋषभ पंत के बाद किसी और ने तोड़ा है गाबा का घमंड, जहां पर समार जोसेफ के साथ विकेट हॉल के चलते वेस्टइंडीज ने 28 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी टेस्ट मुकाबला अपने नाम पर किया है। यह परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा शानदार रही कि इसके चलते वेस्टइंडीज और वर्ल्ड क्रिकेट के चैंपियन ब्रेन लारा की आंखों में आंसू भी हमें देखने को मिले, और पूरी वेस्टइंडीज में जहां जश्न का माहौल है, और समार जोसेफ इस खिलाड़ी को इस समय इसलिए सलामी ज्यादा दी जा रही है क्योंकि इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन पर ये खिलाड़ी हो जाता है बुरी तरह से चोटिल। मिचेल स्टार्क की एक टो क्रशिंग यॉर्कर के चलते यह भी सोचना मुश्किल था क्या समार जोसेफ टेस्ट मैच के आखिरी दिन पर गेंदबाजी करेंगे या नहीं, लेकिन वहां से एक ऐसा जज्बे वाला परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की तरफ से आता है जहां 7 विकेट हॉल इन्होंने कंप्लीट किया और वेस्टइंडीज को अपने बलबूते पर अकेले दम पर अलजारी जोसेफ के साथ में इन्होंने जीत दिलवाई है गाबा के अंदर टेस्ट मुकाबले में, और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म किया। थोड़ा सा आपको बता देते हैं समार जोसेफ के इतिहास के बारे में। ये खिलाड़ी ने बचपन में क्रिकेट सीखा कैसे, इन्होंने फल और सब्जी को गेंद बनाया, लकड़ी को बल्ला बनाया, क्योंकि वेस्टइंडीज के इलाके के जिस गांव में रहते हैं वहां पर आज भी मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है। अगर आपको इनके गांव में जाना है तो आपको तकरीबन 250 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा, वो रास्ता सड़क से नहीं बल्कि नदी से आपको कह सकते हैं कि एक बोट के जरिए तय करना होगा, जिस खिलाड़ी को अपने घर में पहुंचने में इतनी तकलीफें हैं। बचपन में तैयारी करने के लिए गेंद नहीं थी, बल्ला नहीं था, वो खिलाड़ी इस समय वर्ल्ड चैंपियन बन रहा है। इस खिलाड़ी का जलवा आपको देखने को मिलेगा इस साल के पाकिस्तान सुपर लीग में, जहां पेशावर जालमी की टीम ने इनको अपनी स्क्वाड में बतौर रिप्लेसमेंट प्लेयर साइन कर लिया है। गस एटकिंसन की जगह इन्हें इस टीम में शामिल किया गया है। पेशावर जालमी की टीम में आपको बता दें पाकिस्तान क्रिकेट के और बड़े सितारे बाबर आजम, सैम अयूब मौजूद हैं, TKC जैसे बहुत शानदार बल्लेबाज भी यहां पर मौजूद हैं। तो देखने वाली बात होगी इस साल के पाकिस्तान सुपर लीग में भी क्या समार जोसेफ का जलवा ऐसे ही रहेगा बरकरार जैसा इन्होंने गाबा के मैदान पर किया ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला हराकर। क्या लगता है आपको बाबर आजम के साथ में क्या ये प्लेयर पेशावर जालमी के लिए कुछ नया इतिहास T20 क्रिकेट में रच पाएगा या नहीं, जबकि आपको बता दें 1 फरवरी को समार जोसेफ जो है वो IL T20 का मुकाबला भी दुबई में आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। क्या आपकी राय इस मुद्दे पर, बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में।